फ्रेंड्स, वेलकम बैक तान्या और इश्का की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है ऋषभ तान्या को प्रपोज कर देता है और इससे तान्या काफ़ी परेशान होती है और वो इश्का और तान्या दोनों का हाथ पकड़ती है। सॉरी, वो ऋषभ और इश्का दोनों का हाथ पकड़ती है तान्या और उनको क्लासरूम में लेके जाती है। वहाँ पे वो ऋषभ को अपने और तान्या, इशिका और तान्या के बारे में सब कुछ बता देती है, सब कुछ, एक एक बात, एक एक डिटेल, कैसे हुआ था, इनको प्यार कैसे हुआ, मतलब हर एक चीज़, जिसे सुन के ऋषभ की आँखों में से आंसू आने लगते हैं। और तान्या बोलती है, देखा ऋषभ, तुम तो कह रहे थे ना तुम कॉलेज छोड़ दोगे, तुम्हारी मतलब तुमको पता है इश्का की मोहब्बत के आगे ना मुझे दुनिया की हर एक चीज फीकी लगती है। मुझे इसकी मोहब्बत में वो सुकून मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। इसने मेरी मोहब्बत में खुद को भुला दिया। लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत में लोग खुद को भूल जाते हैं, इश्क में लोग अपने आप को भूल जाते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, लेकिन जब मैं इश्का को देखती हूँ ना तो एक्चुअली मुझे रियलाइज होता है कि इसने सच में अपने आप को भुला दिया। वो भी किसकी मोहब्बत में? मेरी मोहब्बत में, सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत में। और इश्का ये सब सुन रही होती है, वो उसे हक करके ही बैठी होती है तान्या को, तान्या उसकी गोद में बैठी हुई होती है। तो तान्या जब इश्का की तरफ देखती है तो वो पाती है कि उसके हाथ अभी भी शिवरिंग कर रहे होते हैं, तो उसके हाथों को जोर से टाइटली पकड़ लेती है। वो कहती है, देखा ऋषभ, हम जब गलतियां करते हैं ना तो सॉरी बोल देते हैं, या एक महीने, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उस बात का हमें गिल्ट रहता है और धीरे धीरे हम सब भूल जाते हैं कि हमने कोई गलती की थी या हमने खुद को सजा देनी है। हम सब भूल जाते हैं, सब, हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब इश्का की तरफ देखो ना तो ये रियलाइज होता है कि कैसे कोई खुद को एक ही गलती की सजा बार बार दे सकता है। आखिर आज इसने वो सारी हरकतें तो छोड़ दी, इसने खुद को जख्म देना मेरी वजह से बंद कर दिया, लेकिन आज भी इसके सामने अगर उस वाक्य को दोहराया जाए ना तो इसकी ये हालत होती है। देखो अपनी आंखों से, देखो ऋषभ, तो इससे ज्यादा प्यार करने वाली, इससे ज्यादा मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत अलग हो, तुम उससे वाकई बहुत प्यार करते हो, लेकिन इश्का की मोहब्बत के जितना नहीं। अब तुम ही बताओ ऋषभ, ऐसी मोहब्बत को क्या कहोगे? इस मोहब्बत को क्या नाम दोगे तुम? बोलो। तो ऋषभ के जो दोस्त होते हैं और मतलब जो उनके ग्रुप के और भी लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो ये सारी बात विंडो से सुन रहे होते हैं। तो वहाँ डोर नॉक होता है, तो तान्या खड़ी होती है, कहती है, यहाँ कौन होगा यार? तो ऋषभ बोलता है, पता नहीं यार कौन होगा, मुझे भी नहीं पता। और इश्का वहाँ वैसे ही बैठी रहती है, वो हिलती नहीं है। तो तान्या जब इश्का की तरफ देखती है तो फिर से वही उसके पास ही बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो डोर पे दोबारा नॉक होती है,
तो फिर तान्या ऋषभ से बोलती है कि ऋषभ जाके डोर ओपन करो, देखो कौन है। तो ऋषभ कहता है हाँ मैं देखता हूँ। वो आता है और डोर ओपन करता है, तो देखता है उसके सारे फ्रेंड्स खड़े होते हैं वहाँ पे। तो ऋषभ बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ तो लड़के लड़कियाँ जितने भी होते हैं वो रूम के अंदर आ जाते हैं चारों के चारों, और डोर को फिर से लॉक कर देते हैं। तो ताने जब उन लोगों को देखती है तो काफी घबरा जाती है, और ऋषभ को भी काफी टेंशन होने लगती है। और इशिका तो सिर्फ तान्या के हाथों को अपने हाथ में फील कर रही होती है, वो कुछ बोल ही नहीं रही होती। तो वो कहते हैं, उसके फ्रेंड्स कहते हैं तान्या तुमने अभी क्या पूछा ऋषभ से। तो तान्या कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी होती है और कहती है तुमने हमारी बातें सुन ली। तो लोग बोलते हैं कि सॉरी ये बैड मैनर्स है, वी नोज, बट ऋषभ इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है, सबसे कूल गाय है। हर एक लड़की इसके साथ होना चाहती है, हर एक लड़की इसके सपने बनती है। उसके बाद जब इसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने सडन ना बोल दिया, इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी। और इशिका, इशिका तो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, है, आई मीन है, लेकिन इशिका ने भी वहाँ पे इसका सपोर्ट नहीं किया, चुप रह गई। ये बात हम लोगों के ना दिमाग में खटक रही थी, और ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारी बात सुननी पड़ी, हम सुनना नहीं चाहते थे, वी आर सॉरी। तो तान्या कहते प्लीज इस बात को कहीं डिस्क्लोज मत करना। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि डोंट वरी, हम तुम्हें यहाँ जज करने नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बस तुम्हारे एक क्वेश्चन का जवाब देने आए हैं। तो तान्या बोलती कौन से क्वेश्चन का। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तुमने कहा ना इस मोहब्बत को क्या नाम दे, इस मोहब्बत को क्या नाम दे पता नहीं, लेकिन मोहब्बत का दूसरा नाम इश्क है। हमने ऐसी मोहब्बत सिर्फ टीवीज में, सीरियल्स में, मूवीज में, ड्रामा में, किताबों में, सिर्फ यहाँ देखी थी, लेकिन आज सीरियसली ऐसा लग रहा है कि खुद आसमान से खुदा जमीन पे उतर आया है इशिका के रूप में। इसने मोहब्बत करने का तरीका ही बदल दिया, मोहब्बत कैसे की जाती है इशिका ने समझा दिया, मोहब्बत का दूसरा नाम इशिका है। हमें पता है क्या लगता था, किसी को चाहना, उसे किसी और का ना होने देना, उसके ऊपर, मतलब कैसे समझाए, हमारी तो मोहब्बत की डेफिनेशन ही अलग थी। और ये सोचते थे ठीक है यार छोड़ गया तो छोड़ गया, 4 दिन आंसू बहा लेते थे और चीजें नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन आज जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारी मोहब्बत के बारे में सुना ना, तब एहसास हुआ कि किसी को सिर्फ कैसे कैसे समझाए कि सिर्फ अगर कोई हमारे साथ हो तब तक उसे चाहना मोहब्बत नहीं हो सकती, किसी के ना होने पे भी सिर्फ उसी का होके रहना, सिर्फ उसी के बारे में तसव्वुर करना,
एक गलती के लिए खुद को बार बार तड़पाना, और खुद को उसकी मोहब्बत में भुला देना, ये मोहब्बत है? एक्चुअली ना ये मोहब्बत है ही नहीं, ये तो इश्क का पागलपन है। समझ में आया इश्क में इंसान पागल कैसे हो जाता है? लोग कहते हैं ना, तेरे इश्क में मैं पागल हो गया, तेरे इश्क में मैं बर्बाद हो गया। एक्चुअली इश्क में पागलपन कैसा होता है, ये तो ईशिका ने समझाया है। हमें नहीं पता था दो लड़कियों के बीच में भी इतना प्यार हो सकता है। हमें तो ये लगता था अरे यार सब ऐसे ही है, ऐसा नहीं हो सकता, सब एक फैंटेसी होती है, सबको अपनी फैंटेसी पूरी करनी होती है, सबको अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस लेना होता है, दैट्स वाई लड़कियां लड़कियों के साथ, दैट्स इट, हम इतना ही सोचते थे। लेकिन तुम दोनों को देख के तो लगता है कि प्यार कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। और रूहानी मोहब्बत कैसे होती है, ये तो तुम दोनों ने हमें सिखा दी। आज के बाद हमें तो शायद ही किसी से मोहब्बत हो, और इशिका की मोहब्बत की दास्तान सुन के तो हमें इससे मोहब्बत होने लगी। सॉरी तान्या, आई नो तुम बहुत प्यार करती हो, और जब तक हम ये समझते थे कि तुम दोनों फ्रेंड हो, तब भी हम यही सोचते थे यार तान्या इशिका के लिए इतनी पजेसिव क्यों है, इतनी पजेसिव क्यों है। बट आज समझ में आया कि तुम इतनी पजेसिव क्यों, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत है। बट सॉरी सीरियसली, इशिका की ये मोहब्बत सुन के ना हमें इशिका से प्यार होने लगा है। और उसमें से एक लड़की बोलती, और मैं तो स्ट्रेट हूँ यार, फिर भी मुझे प्यार हो गया। तो बाकी के उसके दोस्त कहते हैं और क्या, हम क्या, हम क्या है बे, तू स्ट्रेट है और हम क्या है। तो वो हंसती है, कहती है कुछ भी हो यार, सीरियसली तान्या हमें तुमसे जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि क्यों तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों हो सकती है, तुम्हें इशिका जैसा पार्टनर क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला। यार मैं ना, मैं तो अपना इंटरेस्ट भी चेंज कर लूँगी अगर इशिका मुझे मिल जाए तो। तान्या हंसती है और इशिका को दोबारा हक करती है, कहती है नॉर्मल हो जाओ जान, देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इशिका फिर ऋषभ की तरफ देखती है और ऋषभ से बोलती है, ऋषभ आई एम रियली सॉरी, तुम मुझसे मेरी जान मांगेगा ना तो मैं दे दूंगी बिना सोचे बिना समझे, लेकिन तान्या को नहीं, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तू मुझसे कोई भी चीज़ मांग ले, जिस चीज़ पे तू हाथ रखेगा ना वो चीज़ तेरी, और किसी इंसान को तू बोलेगा ना मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी उसे तेरा बनाने के लिए, लेकिन तान्या नहीं यार, तान्या नहीं, प्लीज वो मेरी सांसें हैं, वो दिल है मेरा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। और ऋषभ तू मेरा दोस्त है, तेरे बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं सांसें लेना बंद कर दूंगी, और तेरे बिना मेरी धड़कन धीरे हो जाएगी, तेरे बिना जिंदगी कैसे जी जाती है वो मैं फिर से भूल जाऊंगी, प्लीज। तो ऋषभ कुछ नहीं बोलता, तो इशिका और तान्या दोनों टेंशन में आ जाते हैं। तो उसको लगता है कि शायद ऋषभ हमारे रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, और इशिका बोलती है ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर तुझे दोस्ती नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी, तेरी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, तेरी अपनी लाइफ है,
मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन सीरियसली, तू मेरा दिल का टुकड़ा है और मेरा दिल तान्या है। तो तान्या भी तो तुझे पसंद करती है ना। हाँ, वो बात अलग है कि वो तुझे उस तरीके से पसंद नहीं करती, एज अ फ्रेंड पसंद करती है। तो ऋषभ के करीब जैसे ही शिखा जाती है ये बोल के, तो ऋषभ हल्का सा पीछे हो जाता है। तो फिर ऋषिका अपने कदम रोक लेती है और कहती है, ठीक है ऋषभ, मैं जाती हूँ, शायद तू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा हमें। बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तेरी मोहब्बत का मैंने गला दबा दिया, ये कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। सॉरी, ये कह के वो वहां से निकलने लगती है। तो तान्या भी इश्का के पीछे जाती है और इश्का का हाथ पकड़ती है। इश्का फिर से एक बार ऋषभ की तरफ देखती है और वहां से जाने लगती है। तभी जो है पीछे से तालियां बजती हैं, तो ये दोनों पलटती हैं। और जैसे ही पलटती हैं तो देखती हैं कि पांचों के पांच अपने नील डाउन होके, अपने घुटनों के बल होके इन दोनों को सजदा करते हैं। इन दोनों के आगे अपना सर झुका देते हैं, जिसमें ऋषभ भी होता है। तो जब ये देखते हैं दोनों, तो ये दोनों कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तो ऋषभ उठता है और इशिका के पास आता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, खुदा जमीन पे उतराओ तो उसका सजदा करना तो बनता है ना। हाँ, ऐसी मोहब्बत यार, अब तो तेरे से मोहब्बत की क्लास लेनी पड़ेगी इशिका, कि इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत कैसे की जाती है, कैसे। चल तान्या ना, सही, देख तेरी तरह तो मैं प्यार नहीं कर सकता कि तान्या मुझे नहीं मिली तो तान्या बोलती, हाँ तो ऋषभ बोलता है, हाँ वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मेरी लाइफ में तेरे अलावा कोई नहीं आएगा, बट अब नहीं, मुझे भी कोई चाहिए जो तेरी तरह मुझे सपोर्ट करे, जैसे तू शिका को करती है, और जिसके लिए मैं इश्का की तरह सब कुछ करने के लिए तैयार हो। जो मुझे भी मेरी ऐसी मोहब्बत चाहिए। और इशिका, तू मुझे क्लासेस देगी आज के बाद, ठीक है ना? तो ये कहते कहते ऋषभ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इशिका अपना हाथ उठाते हैं उसके आंसू पोंछने के लिए। तो ऋषभ बोलता, नहीं यार, बह जाने दे, पोंछ मत, वैसे भी हम लड़के रोते कहाँ हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत ने आज तो रोने पे मजबूर कर दिया। हाँ, बस मुझे एक नाराज किया तेरे से। तिशका बोलती, वो क्या? तिशका बोलता, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तूने एक एक मोमेंट मेरे साथ स्पेंड किया है, अपनी लाइफ की एक एक चीज बताई है, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात शेयर नहीं की। हाँ, तो ऋषिका चुप हो जाती है। तो ऋषभ बोलता, आई कैन अंडरस्टैंड यार, कि तुझे लगा होगा हम कैसे जज करेंगे, हम क्या सोचेंगे, और हर किसी को लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सोच ही ऐसी है सबकी, कोई प्यार को, जब लड़के लड़की के प्यार को लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो तुम दोनों के प्यार को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तुम्हारा सोचना जायज था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा तो बुरा लगा है, देख दोस्त थी तू मेरी, दोस्त थी। तो इसका बोलते हैं कि थी, अब नहीं हूँ। तो कहता, अरे मतलब है यार, तू तो शब्दों को पकड़ के वार करती है बे। तो शिका हंसती है, कहती है, सीरियसली ना, तू मेरा दोस्त जैसा था वैसे ही रहेगा ना? तो
ऋषभ बोलता है, हाँ पागल तेरे को थोड़ी चल, तेरी दोस्ती के लिए मैं तान्या को छोड़ने के लिए तैयार था, तो इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं कैसे तुझे छोड़ दूंगा। अब तो वैसे भी तेरे से मोहब्बत की क्लासेस लेनी है मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। तो वो ऐसे हंसता है कहते हुए और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। तो इशिका उसको जोर से हक्कल लेती है, कहती है यार मैं पता है बहुत डर गई थी, मुझे लगा था तेरी दोस्ती खो दी मैंने सीरियसली। तो वो भी उसे जोर से करता है, कहता है पागल दुनिया में तू कुछ भी खो सकती है लेकिन दो चीजें कभी नहीं। तो इशिका ऐसे पीछे हटती है और उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या? कहते एक तो ऋषभ की दोस्ती, दूसरा तान्या का प्यार। क्यों तान्या? तो तान्या भी हंसती है और नीचे सर कर लेती है। तो ऋषभ कहता ओए हुए तान्या को शर्माना भी आता है, ये तो हमने पहली बार देखा है। हाँ तो तान्या कहती क्या है यार? तो शिका भी हंसती है, कहते क्यों छेड़ रहा है यार उसे? तो ऋषभ कहता ओहो एक को छोड़ो छेड़ो तो इसको बुरा लगता है और इसको कुछ को तो शर्म आती है, हाय क्या मोहब्बत है। हाँ तो इन दोनों इन सबके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, ये लोग एक ग्रुप हक करते हैं और सब एक दूसरे से गले लगते हैं और सब कहते हैं सीरियसली यार ऋषिका वी लव यू यार, हम सबका दिल तेरे पे आ गया है। तो तान्या ऐसे सबकी तरफ देखती कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का है? तो ऋषिका हंसती है, कहती है भाई देखो अब मेरा तो एक ही दिल है और मेरा तो वो है भी नहीं, वो तो तान्या का है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। मैं तो अगर फ्लर्ट भी करना चाहूँ तो मैं वो भी नहीं कर सकती, अब मार डालेगी जान से, और वैसे भी मैं उसे खोना नहीं चाहती किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में, इसके बिना जीना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। और ये कह के वो तान्या को हक करती है। तो उसमें एक लड़की होती है जो इशिका को बड़े प्यार से देख रही होती है, तो तान्या की नज़र उस पर पड़ती है और वो इशिका से धीरे से कहती है मुझे लग रहा है कि यहाँ भी तुम्हारी इज्जत पे खतरा है। तो इशिका कहती है क्या मतलब? तो कहती है ये लड़की तुम्हें बड़े प्यार से देख रही है यार, मुझे बहुत जलन हो रही है। तो इशिका कहती है शट अप यार क्या बोलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, और कोई मुझे कैसे भी देखे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी है ना। तो तान्या कहती है ऑब्वियसली और किसकी हो सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फिर वो उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है हेलो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तान्या उसकी तरफ देख के ऐसे बोलती है, तो लड़की बोलती है कि हाँ पता है मुझे तुम मुझसे बात कर रही हो, बोलो। तो कहती है सॉरी बट शी इज माइन ओनली माइन। तो वो भी हंसती है, कहती है हाँ यार तेरी है और तेरी ही रहेगी, लेकिन दूर से मोहब्बत करने का हक तो हम सभी का है ना, हाँ वो हक तो तुम नहीं छीन सकती ना हमसे। तो तान्या कहती है वो हक मैं कैसे छीन सकती हूँ, मेरी मोहब्बत की मोहब्बत ही ऐसी है कि कोई भी उससे मोहब्बत करने लग जाएगा, पहले की बात होती तो शायद मैं जान ले लेती तुम्हारी भी और इसके भी, लेकिन अब नहीं क्योंकि मुझे पता है जो इसके बारे में सुनेगा ना वो अपने आप को इससे मोहब्बत करने से रोक ही नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए अब जलन नहीं होती जब कोई इशिका से मोहब्बत करता है ना, मुझे खुशी होती है। तो ऋषभ बोलता है सीरियसली तेरे को जलन नहीं होती, मैं हूं तो मैं तो मार डालू। तो तान्या बोलती है पहले मैं भी ऐसी थी इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठी, लेकिन अब जब कोई इसे मोहब्बत करता है ना दूर से, पता है मुझे क्या लगता है कि मेरी मोहब्बत को मंजिल मिलती जा रही है, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई है, हम किसी को किसी से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकते, वो करेगा ही करेगा, और
इशिका की मोहब्बत की दास्तान सुन के कोई अपने आप को रोक ही नहीं सकता कि वो इशिका से प्यार ना करे। वो करेगा ही करेगा। और मुझे ये भी तो पता है ना कि इशिका से चाहे कितने लोग प्यार कर लें, इशिका सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वो किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा हाथ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो ऋषभ कहता है, ओए होए क्या बात है यार तुम दोनों की, क्या करूं मैं, मतलब सजदा कर लिया, इससे ज्यादा बताओ क्या करें। तिशका बोलती है, कुछ मत कर, चल अब पूरा आज टाइम तुम लोगों ने इसी में वेस्ट करा दिया, चलो अब एक आध क्लासेस ले ही लेते हैं। तो सब हंसने लगते हैं, फिर वो लोग अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। और दो चार दिन बाद ही इशिका का बर्थडे होता है। तो तान्या जो है इशिका से बोलती है कि जब वो क्लासेस ख़त्म करके निकलते हैं तो कहती है, तू एक काम करो। तो इशिका बोलती है, क्या? कहती है कि तुम जो है ना मेरा वेट करो गेट पे, मैं बस अभी आई। तो इशिका बोलती, कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती है, मैं ऋषभ से कुछ काम है, मैं मिल के आती हूँ फटाफट, ठीक है? तो कहती है ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे उसका वेट करने लगती है। और जो तान्या होती है वो फटाफट जाती है ऋषभ के पास और बोलती है, इशिका का बर्थडे आ रहा है। तो ऋषभ बोलता है, पता है मुझे उसका बर्थडे आ रहा है, दो दिन बाद है ना। तो कहती है, तीन दिन बाद है। तो वो कहता है, हाँ मतलब तीन दिन बाद है, क्या करना है तेरे को बता। तो कहती है, मेरा बहुत बड़ा प्लान है। तो बोलता है कि क्या प्लान है ऐसा तेरा? तो कहते हैं, यार हमें घर से निकलना है, उसकी परमिशन तो मैं ले लूँगी किसी भी तरीके से, बट तुम लोगों की ज़रूरत मुझे ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि जो मैं इशिका से मांगने वाली हूँ ना, वो मुझे पता है वो पैनिक होकर तुम ही लोगों को फ़ोन करेगी, ठीक है? तो तुम लोग बस रेडी रहना जब भी उसका फ़ोन आए, और हम जहाँ भी हों वहाँ आने के लिए। तो ऋषभ बोलते हैं, ऐसा क्या मांगने वाली है? देख मैं तुझे पहले बता दे रहा हूँ, वो मेरी दोस्त है, शेर है वो मेरा, और अगर तूने ऐसा वैसा कुछ किया ना उसके साथ तो तेरा गला मैं दबा दूंगा। तो तन्ने कहती, अरे चुप ना, तेरी दोस्त है, मेरी कुछ नहीं है वो, तेरे से ज़्यादा फिक्र है मुझे उसकी। लेकिन अब मैं उससे जो मांगने वाली हूँ ना, वो वाकई सुन के ज़रूर घबरा जाएगी एक बार, मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके बारे में, तो वो तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेगी, मैं ये भी गारंटी से कह रही हूँ। तो बोलते हैं, इतना ज़्यादा तुझे कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे फ़ोन करेगी करेगी? कहते हाँ करेगी करेगी, मैं बता रही हूँ। तो कहते हैं, ठीक है, बाय द वे क्या प्लान है तेरा? हाँ, तो उसे कुछ नहीं बताते उस टाइम पे, वो कहती है बस तू फिट एंड वॉच, फ़ोन आएगा ज़रूर, ठीक है? तो कहते हैं कि ठीक है आएगा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, फिर वो लोग ये कह के घर चले जाते हैं। और इनके दो दिन जो है, दो दिन की तैयारी में लोग ऐसे ही सपने बुन रहे होते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो इशिका के बर्थडे के दो दिन पहले ही, हाँ जैसे आज इशिका से, आज ऋषभ से उसने बात की, वो घर गई और सपने बुनते बुनते उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि यार ऐसा ना करूँ मैं, कल ही निकल जाऊँ यहाँ से। तो ऐसा सोचती है, तो कहती है, फिर अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी वो ना जब इश्का की तबीयत ख़राब थी ना, तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ तो मैंने ना एक मन्नत मांगी थी कि अगर इश्का की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं गोवर्धन की परिक्रमा करने जाऊँगी मथुरा। तो उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा अकेले? तो कहती नहीं इश्का के साथ। तो उसकी मोम बोलती है, मुझे एक बात बताओ पहले तुम। तो उसकी मोम बोलती है, हाँ मतलब तान्या बोलती है, हाँ। तो उसकी मोम बोलती है, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? तो तान्या घबरा जाती है, कहती है कि क्या मतलब क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा। तो उसकी मोम बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ तान्या, मुझे समझ में आता है, और आज से नहीं 11th क्लास से मैं तुम दोनों को एक साथ देख रही हूँ, इसलिए जो भी है मुझे क्लियरली पता हो, प्यार करती हो ना तुम दोनों एक दूसरे से?
तो जब तान्या ये सुनती है तो उसकी तो हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है। कहती है लग रहा है इशिका का बर्थडे का गिफ्ट बहुत गंदा जाने वाला है, उसका बर्थडे मुझे लग रहा है स्पॉइल होने वाला है। वैसा सोचती है उसकी मम, बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ। तो तान्या एकदम चुपचाप खड़ी होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो देखते हैं दोस्तों, तान्या उन्हें सच बताएगी, आंटी उससे सच उगलवा पाएंगी या नहीं, ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।